इंडिया के बाहर आ गया हूँ मैं। अगर आप गूगल करोगे ना, जब मैं आता था तो ये सारी चीजें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी रात के बज रहे 12:30, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक राइड पे जाके आता हूँ। बट अभी तो राइड पे अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि राजू भी चले गया है गाँव। कहाँ जाऊँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, कुछ प्लान तो है नहीं कि कहाँ जाना है, बट यहाँ से पहले गाड़ी लेके निकलता हूँ मैं, कहीं ना कहीं तो घूम के आएंगे। अभी मैं निकल गया हूँ रात में अकेले ही, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा चलो एक राइड पे ही जाके आता हूँ। मानोगे नहीं आप लोग, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे शॉर्ट्स पे बाहर निकला हूँ। नहीं तो मैं शॉर्ट्स पे बाहर जाता नहीं हूँ, और शॉर्ट्स भी मैं बहुत रेयर ही पहनता हूँ, वैसे मैं ट्रैक ही पहनता हूँ। बट आज शॉर्ट्स पे निकल गया हूँ मैं बाहर, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था, बोर हो रहा था घर पे और नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक राइड पे जाके आएंगे। और मैं इतना शॉर्ट्स पहनता भी नहीं हूँ, बट आज पहना हुआ था तो ऐसे ही निकल गया। और मुझे मालूम है वैसे भी मैं तो कहीं किससे मिलने जा नहीं रहा हूँ, निकल तो गया बट समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊँ कहाँ। एक काम करता हूँ, चलता हूँ पवई, पवई जाके घूम के आता हूँ, क्योंकि पवई भी गए बहुत टाइम हो गया मेरे को। पहले मैं बहुत पवई जाता था और अभी तो अरसा हो गया गए, मतलब भी मेरे को लगता है 3-4 साल हो गया रहेगा पवई गए। चल के देखते हैं पवई का क्या सीन है। मैं कहीं भी बाहर निकलता हूँ तो सबसे पहले गाने प्ले करता हूँ, उसके बाद ही चलता हूँ। बट सीन ऐसा है कि आज मैंने मेरा दूसरा वाला फ़ोन नहीं लेके आया जिसमें मैं गाना बजाता हूँ, इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है, गाने भी नहीं बजा सकता हूँ। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं राइड पे निकला और गाने नहीं बजा रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ हीरानंदानी, बोला चलो पहले हीरानंदानी में एक राउंड मार के आता हूँ। अरे यार फालूदा दिख रहा है, फालूदा खा के चलेंगे। हीरानंदानी भी इतना प्यारा बना हुआ है ना भाई साहब, जैसे ही यहाँ इंटर हो ऐसा लगता है कि इंडिया के बाहर आ गया हूँ मैं। पवई का हीरानंदानी तो बहुत ही ऐसा लगता है भाई कि इंडिया के बाहर आ गए हम लोग। क्या टाइमिंग है भाई साहब, क्या टाइमिंग है। अकेले निकला था बट अभी मिल गया यहाँ पे मोगली। हीरानंदानी पहुंचे तो मोगली भाई मिल गए। मैं भी ऐसे निकला था अकेले ही, एक राइड पे जाके आता हूँ। और बाकी काम वगैरह कैसा चल रहा है? सब सही चल रहा है। ये हीरानंदानी में फॉरेस्ट गार्डन है जो कि मैं कभी दिन में ना एक्सप्लोर करूंगा, दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा गार्डन है, मुझे बहुत पहले से मालूम है। अगर आप गूगल करोगे ना फॉरेस्ट गार्डन तो आपको ये सब दिखेगा। तो अभी तो कैसा इसका टाइमिंग है, कुछ मॉर्निंग में 7 से 10, इवनिंग में मे बी कुछ 5 से लेके 7 बजे तक है। शाम का मुझे टाइमिंग कुछ कन्फर्म नहीं है, बट जब मैं आऊंगा व्लॉग बनाने इसका ना तो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अभी बंदे ने तो अभी एक्सप्लोर कर देता था। तो अभी मैं हूँ एवलॉन पे और एवलॉन पूरा खाली हो रखा है, कोई भी नहीं है, बस मैं और मोगली घूम रहे हैं। हाँ मोगली थोड़ा सुनसान है भाई, कोई नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग हीरानंदानी से निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं पवई लेक। अच्छा हुआ मोगली मिल गया यार, मजा आ गया, नहीं तो अकेले अकेले। हाँ मोगली, बहुत टाइम के बाद मिल रहे ना अपन, शायद दिवाली में मिले थे ना। A few minutes later. इतने रात में भी पवई लेक पे क्राउड देख लो, कितना ज्यादा क्राउड हो रखा है, ऐसा लग रहा है सुबह हो गई है। पहले ना ये जगह पे बहुत आता था मैं, मतलब मोस्टली यहाँ पे बैठे ही रहता था। पवई लेक पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, जब मैं आता था तो ये सारी चीजें नहीं थी। पता नहीं कब बना, काय का झंडा लगा है पता नहीं, दिख नहीं रहा है। तो ये सब भी नहीं था पहले, अभी ये भी बन गया, ये भी बन गया, और जब एंट्री जहाँ से किया मैंने वहाँ पे भी बन गया है। काफी चीजें अलग देखने मिली यहाँ पे आगे। तो पवई लेक से निकल रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो अच्छा खासा क्राउड हो रखा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतना लेट नाइट है। कभी भी आओगे ना कोई तो मिलना ही मिलना है। इसको भी लेट हो रहा है, इसको जॉब पे जाना है मॉर्निंग में, ये एक्चुअली घर ही जा रहा था, गाड़ी देखा तो रुक गया, नंदानी में था ही, मैं बोला चलो पवई लेक घूम के आएंगे। चलो भाई बाय बाय, गुड नाइट। निकला था मैं अकेले बट मोगली मिल गया और अभी वो भी चले गया घर, और चलता हूँ मैं अभी फालूदा खाता हूँ। उसको एक्चुअली लेट हो रहा था, मैं बोला चल फालूदा तो खा के जाते साथ में, बोलता नहीं भाई ठंडी लग रही है, वो देखे ना कैप वगैरह लगाया था। मैं बोला यार ठंडी, अभी तो ठंडी कम हो गई, बीच में थी थोड़ी ठंडी बट अभी इतनी ठंडी नहीं है, बोला चल खा लेंगे। बोला नहीं भाई ठंडी लग रही है तुम खाओ। सो चलते हैं फालूदा खाते हैं, और इसका फालूदा काफी अच्छा रहता है, मैं बहुत टाइम से खा रहा हूँ यहाँ का फालूदा। तो अगर आप लोग हीरानंदानी आते हो तो यहाँ पे फालूदा खा सकते हो, हीरानंदानी गार्डन के जस्ट बाजू में ही है। तो अभी यहाँ पे रुका हूँ मैं फालूदा खाने के लिए, फिर यहाँ से फालूदा खा के निकलते हैं। मस्त अच्छा गाना लगा के सुन रहे हैं, फालूदा बना रहे हैं। यहाँ का टेस्ट का भी रिव्यू देता हूँ कैसा रहेगा फालूदा, अच्छा तो अच्छा ही है क्योंकि मैं बहुत टाइम से खा ही रहा हूँ। तो फालूदा आ गया है, अभी फालूदा खाता हूँ। मज़ा आ गया फालूदा खा के, मैं सभी जा रहा हूँ घर और सो जाऊँगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही रहने वाला है। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।